तो देखो, अगर आज के टाइम पे मैं किसी से भी ये सवाल करूं कि क्रिकेट में सबसे एग्रेसिव प्लेयर्स में से कौन आता है, तो कहीं ना कहीं एक नाम जो आपके मन के सबसे टॉप में दस्तक देगा वो है विराट कोहली। चाहे हम उनकी बैटिंग स्टाइल की बात कर लें या फिर चाहे वो जिस तरीके से फील्ड में मौजूद रहते हैं उसकी बात कर लें, अगर किसी भी वक्त में विश्व के किसी भी कोने में विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है तो समझ जाइए कि वो समय एक अलग ही एग्रेसिव मोड में है। उसके लिए जीत के सिवा कुछ भी मैटर नहीं करता और वो पूरी जान लगा देने वाला है उस मोमेंट को अपने नाम करने के लिए। लेकिन अब सुनो दूसरा सवाल कि ये तो चलो बात हो गई करेंटली विराट कोहली की, अगर मैं ओवरऑल क्रिकेट की बात करूं और आपसे ये पूछूं कि किसी भी वक्त में सबसे एग्रेसिव टीम कौन सी रही है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक नाम जो दस्तक देगा वो है रिकी पॉन्टिंग के अंडर खेलने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि आज भी उस टीम का कोई मेल नहीं है। पूरे विश्व में एक भी इंसान आके ये नहीं कह सकता कि किसी भी खेल में ऐसी एग्रेसिव टीम आपको किसी भी देश की देखने को मिल जाए, क्योंकि उस वक्त पे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसको इस बात से फर्क बाद में पड़ता था कि उसके बॉलर्स कैसे हैं, उसके बैट्समैन कैसे हैं, कौन आज के मैच में खेल रहा है या कौन आज के मैच में नहीं खेल रहा है। सबसे पहले उसे जिस बात से फर्क पड़ता था वो ये था कि जीतना है चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और अगर आप इतिहास के पन्नों को पढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के वो विंटेज मैचेस को उठा के देखेंगे तो कम से कम 50% ऑफ द मैचेस आपको ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से जीते हुए नहीं मिलेंगे, ना ही ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग से जीते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट से जीते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप भी दो जानवरों की फाइट देख रहे हैं और उन दो जानवरों में एक जानवर शेर है, तो खेल के शुरू होने से पहले ही आपका माइंड आपको कन्विंस कर देता है कि ये फाइट तो शेर ही जीतेगा। कुछ ऐसा ही खेल उस समय की ऑस्ट्रेलिया खेलती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कहानी ना ही पूरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, ना ही विराट कोहली के बारे में है, ये कहानी दोनों के मिलाप के बारे में है। ऐसा मिलाप, ऐसी मीटिंग, ऐसी घटना जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा, लेकिन फिलहाल में आप उसे भूल गए होंगे। देखो, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि यूं तो विराट कोहली एक एग्रेसिव प्लेयर के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन आप में से किसी को भी ये पता है कि आखिर विराट कोहली इस तरीके से एग्रेसिव अप्रोच लेके मैदान में क्यों उतरते हैं? क्योंकि सबने देखा है, सबने देखा है कि जब वो मैदान के बाहर रहते हैं, जब वो कोई लाइव इंटरव्यू दे रहे होते हैं या फिर कोई पार्टी में होते हैं, तो एक अलग ही विराट कोहली होते हैं। लेकिन वही विराट कोहली जब पिच पे आते हैं तो वो एक अलग ही विराट कोहली बन जाते हैं। अब ऐसा विराट कोहली क्यों करते हैं, तो इसके बारे में भी उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया है कि उनके पिता ने उनसे एक बात कही थी कि कभी भी तुम्हें लगे कि कोई तुम पे डोमिनेट कर रहा है या फिर तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल भी चुप मत रहना, भले ही तुम्हारी थोड़ी सी फटे क्यों ना, लेकिन फिर भी आंखों में ये दिखाना कि तुम्हारी फट नहीं रही है। तो साल था 2012। हाँ, ये सच है कि 2012 की ऑस्ट्रेलिया टीम वैसी नहीं थी जैसी 2003 में होती थी, 2004 में होती थी, 5 में होती थी, 6 में होती थी, 7 में होती थी या 8 में भी होती थी। लेकिन फिर भी 2012 की भी जो ऑस्ट्रेलिया टीम थी उसमें भी एक अलग ही स्वैग था, उसमें भी वही एटीट्यूड था जो कहीं ना कहीं पहले की ऑस्ट्रेलिया टीम में होता था। अब ये भी सच है कि जब से धोनी इंडियन टीम के कैप्टन बने थे तो काफी बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के इस एटीट्यूड को तोड़ दिया था, इसीलिए कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की इंडिया के प्रति जो चिढ़ थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई थी। और जहां मैंने बात करी 2012 की, तो ठीक एक साल पहले ही 2011 में वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भारत ही ऑस्ट्रेलिया को हरा के सेमीफाइनल में पहुंचा था। तो इस 2012 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गया था तो जाहिर सी बात थी कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं बदले के लिए खेल रहा था और इंडिया जो है वो खेलने के लिए खेल रही थी। तो इसी दौरे के एक टेस्ट मैच में जब भारत पूरे तरीके से मैच में पिछड़ रहा था और ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से इंडिया पे डोमिनेट कर रहा था, लेकिन एक वक्त था जब कोहली आखिरी विकेट तक टिके हुए थे और 99 नॉट आउट पे खेल रहे थे और उनके साथ में खड़े थे ईशान शर्मा जो कि 1 रन के स्कोर पे थे। भारत का स्कोर था 239 रन पे 8 विकेट,
बॉलिंग पे थे पीटर सिडल और इंडिया जो है वो 365 रन से पहली इनिंग में पीछे चल रहा था। मैं पहले ही यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि जो मैच है वो जीता तो ऑस्ट्रेलिया ने ही था, लेकिन असल में अभी जो जंग होने वाली थी वो मानसिक तौर पे होने वाली थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अब भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड था कि वो जब चाहे किसी भी टीम पे डोमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ क्रिकेट के लेवल पे नहीं बल्कि मेंटल लेवल पे भी। तो जैसा मैंने बताया कि जब इंडिया का स्कोर 239 रन पे 8 विकेट पे चल रहा था तो कोहली तभी एक शॉट खेलते हैं और जैसे ही वो रन लेने के लिए भागते हैं तो दूसरे एंड पे खड़े ईशांत शर्मा उन्हें मना कर देते हैं। तभी विराट कोहली रिटर्न पिच की तरफ आते हैं और वो बहुत ही क्लोज रन आउट होने से बच जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको यह भी बताया कि इस वक्त कोहली 99 नॉट आउट पे खेल रहे थे तो उन्हें सिर्फ एक रन की जरूरत थी अपने शतक को पूरा करने के लिए। और जैसा मैंने आपको यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच पे पूरे तरीके से दबदबा बना चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे वो ये नहीं चाहता था कि कोहली अपने शतक को पूरा करें, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था उनको डिस्ट्रैक्ट करने की। जैसे विराट कोहली इस बॉल पे रन आउट से बचे तो तभी बॉलिंग एंड पे खड़े पीटर सिडल रिएक्ट करने लगे। उन्होंने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया ये सोच के कि भारत जो है वो थोड़ी सी बेकार सिचुएशन में चल रहा है तो सामने से शायद उनको रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि ये विराट कोहली था। मैच में काफी पीछे होने के बावजूद भी विराट कोहली चुप नहीं रहे और उन्होंने भी बदले में शब्दों का आदान प्रदान शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं जब विराट कोहली ने बोलना शुरू किया तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी सदमे में आ गई, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने से कोई रिप्लाई आएगा। जैसे विराट कोहली ने कुछ कहना शुरू ही किया तो वैसे रिकी पोंटिंग उनके पास आते हैं और उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं। अब उस वक्त पे तो पोंटिंग ने कोहली को शांत करा दिया था, लेकिन जो उंगली है वो ऑलरेडी हो चुकी थी। अब जैसे विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी पूरी करी तो वो भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने भी बीच मैदान चिल्लाते हुए बेन स्टोक का गुणगान शुरू कर दिया। वो सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की तरफ देख के चिल्ला रहे थे कि भैया हम शब्दों से भी जवाब देना जानते हैं और हम बल्ले से भी जवाब देना जानते हैं। लेकिन असल में जिसने सुर्खियां बटोरी वो कोहली की ये तूतू मैमे नहीं थी, वो था कोहली का वो स्टेटमेंट जो उस दिन के एंड होने के बाद आया था। जब दिन खत्म होने के बाद कोहली से ये पूछा गया कि आखिर वहां बीच मैदान में हुआ क्या था, तो कोहली का जवाब आपको खुश कर देगा। कोहली ने कहा कि मैं बस ये बताना चाहता था कि हम यहां पे सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आए हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के आपके साथ लड़ने आए हैं। और मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो बाण वो चला रहे हैं वही तीर घूम के उनके पिछवाड़े लगे। वो लोग खुद जो कहते हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि उन बातों को वो खुद डाइजेस्ट कर सकें। इवन आगे विराट कोहली ने ये भी कह डाला कि जब हम करने पे आएंगे तो शायद ऑस्ट्रेलिया वाले सह भी नहीं पाएंगे। और मैं जानता हूं कि यहां पे बहुत गर्मी हो रही है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो मुझे आउट नहीं कर पा रहे हैं। एक बार ये स्टेटमेंट आप खुद विराट कोहली के मुंह से सुने। The opposition needs to know that. I mean, they just can't keep bullying us all the time. If they get it back, they can't take it. They're not able to digest it. So, you know, we always, Ishant and me started doing what they do, hunt in pairs. So they couldn't take it after that. And, you know, they got really frustrated because they were out on the field for a long time. And, you know, it was hot as well. So, probably frustrated because of not able to get me out. Suna na, ab main aapko ye bhi bata dun ki ye jo shatak Virat Kohli ne lagaya ye unke test ka maiden 100 tha. Matlab kahin na kahin Virat Kohli ne apne bat se aur same time pe apne attitude se ye clear message de diya tha ki mere saath aane wale saalon mein bhi panga mat lena, kyunki main un players mein se nahi hu jo sirf sunte hain aur kuch bolte nahi. Mere ko ghanta farak nahi padta ki samne kaun hai, mere ko farak नहीं पड़ता कि आपकी टीम कौन सी है, आपका ओहदा क्या है, आप कितने बड़े बैट्समैन हो या आप कितने बड़े बॉलर हो, जब हम पिच पे खड़े हैं तो आप मेरे विरोधी हो। और अगर एज एन अपोनेंट आप मुझे सुना रहे हो तो आपको भी आदत डालनी होगी सुनने की, इवन जितना आपने बोला है उससे ज्यादा सुनने की। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको ये इंसिडेंट याद था, क्या आपको ये स्टोरी याद थी, जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।